बनाने वाले हैं चीजी टेस्टी समोसा बर्गर। बहुत ही झटपट स्नैक है दोस्तों, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बर्गर बन, तो बस इस बर्गर बन को हम बीच से दो भागों में काट लेंगे। अब बीच में थोड़ा सा सॉस लगा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। इसे फैला लेते हैं और अब इसके ऊपर आप चीज स्लाइस भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चीज स्प्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो चीज स्प्रेड को भी थोड़ा सा फैला लीजिए। अब रख लेते हैं इसके ऊपर एक समोसा। फ्रेंड्स, पहले भी मैंने समोसे की रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी फिलहाल तो मैं रेडीमेड समोसे का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस तरह से तोड़ते हुए इसे जमा लेंगे। ऊपर से थोड़े से प्याज के लच्छे रख लेंगे और साथ ही मैं ये समोसे वाली चटनी डाल रही हूँ। अगर समोसे वाली चटनी नहीं है तो आप इसके ऊपर चिली सॉस डाल सकते हैं। चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे और बस इसे ऊपर से इस तरह से कवर कर एक चीज स्लाइस रख लेंगे। तो इस तरह से चीज स्लाइस को जमाने के बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लीजिए और अब हमें इसे थोड़ा सा बेक करना है। तो बेक करने के लिए आप माइक्रोवेव में भी इसे 60 सेकंड के लिए घुमा सकते हैं या फिर इस तरह से तवे पर इसे बेक कर सकते हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पर एक पैन या फिर कढ़ाई रख लीजिए, थोड़ा सा बटर डालकर मेल्ट कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम बर्गर रख लेंगे। तो आप इसे कवर कर दीजिए और 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर इसे सिकने दीजिए। चेक कर लेते हैं, ये देखिए चीज जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है और नीचे से ब्रेड भी सिक चुकी है। तो ये हमारा बर्गर रेडी है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना टेस्टी दिख रहा है ये। बीच से इस तरह से दो भागों में काट लीजिए। तो एंजॉय कीजिए इसे गर्म गर्म चाय या कॉफी के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डबल लेयर पिज्जा, या फिर आप इसे पिज्जा सैंडविच भी बोल सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा बनाने के लिए मैंने जो सब्जियां ली हैं वो है थोड़ी सी कैप्सिकम, मैंने यहाँ पर लाल और हरी दोनों प्रकार की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, थोड़े से उबले हुए कॉर्न के दाने रख लिए हैं, थोड़ी सी प्याज ली है और हम इसमें पनीर डालेंगे। तो छोटा सा टुकड़ा पनीर का ले लीजिए। अब हम इन सब्जियों को थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि कच्चापन ना रहे इनमें। तो थोड़ा सा बटर मेल्ट कर इसमें सारी सब्जियां डाल लीजिए। सिर्फ पनीर को हमें नहीं डालना है, बाकी की सारी सब्जियां ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए बटर में थोड़ा सा इसे भून रही हूं मैं, और थोड़ी देर भून लेने के बाद ये सब्जियां हमारी सौते हो चुकी है, इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बोल में। अब इसमें मिला लेंगे थोड़ा सा ओरिगानो, साथ ही थोड़ी सी मेयोनीज डाल रही हूँ। तो ये 1 टेबलस्पून भरकर मैंने मेयोनीज डाली है और अब इसमें डालेंगे पिज्जा सॉस। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी एक लेयर की स्टफिंग बनकर तैयार है। और पिज्जा बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेडीमेड पिज्जा बेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह का जो बेस आता है मार्केट में, बस वही ले लेना है। तो इसे इस तरह से पलट लेंगे और ऊपर में इसकी बटर को लगा लेंगे। अच्छे से फैलाते हुए पूरे पिज्जा बेस पे बटर को लगा लेना है हमें। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस भी फैला लेंगे। तो बस इस तरह से फैलाते हुए पिज्जा सॉस लगा लीजिए। तो एक पिज्जा बेस रेडी हो चुका है, इसे साइड रखकर हम इसी तरीके से दूसरा पिज्जा बेस भी रेडी कर लेंगे। अब ले लेते हैं दूसरा वाला पिज्जा बेस और उस पे भी थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया फैलाते हुए बटर लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा पिज्जा सॉस लगाएंगे, इसे भी फैला लेते हैं। और जो हमने सब्जियों की स्टफिंग तैयार की थी अब उसे रख लेते हैं। तो बढ़िया फैलाते हुए पूरे पिज्जा बेस पे रख लीजिए। ऊपर से थोड़ी सी मोजरेला चीज डालेंगे अब इसके ऊपर रख देते हैं ये दूसरा वाला बेस।
तो इस तरह से पलटते हुए रखना हमें, सॉस वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा। और फ्रेंड्स, पिज्जा सेकने के लिए आप कोई भी मोटे बेस वाला तवा या फिर कढ़ाई या पैन ले लीजिए। मैं इसे सेक रही हूँ लोहे के तवे पे। थोड़ा सा बटर लगा लेंगे और इसके ऊपर अब रख देते हैं पिज्जा। तो फ्लेम को कर दीजिए एकदम लो, एकदम धीमी आंच पे सेकना है। और मैं इस तरह से इसे कढ़ाई से ढक दे रही हूँ ताकि ये एक ओवन का काम करे। बस धीमी आंच पर इसे 2-3 मिनट तक सेकने दीजिए। और पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स के लिए हम पनीर को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, पनीर को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। थोड़ा सा पिज्जा सॉस डालकर इसे अच्छे से कोट कर लीजिए सॉस में। तो ये हमारी पनीर की टॉपिंग रेडी है। पिज्जा को चेक कर लेते हैं। अब हमें पिज्जा को पलट कर सेकना है, लेकिन पलटने से पहले थोड़ा सा बटर लगा लीजिए। तो ये ऊपर की तरफ भी फैलाते हुए बढ़िया से इसे बटर से कोट कर लीजिए। और अब स्पैचुला की मदद से बड़ी सावधानी से आपको इसे पलट लेना है। और अब ये पिज्जा दूसरी तरफ से भी सिकेगा। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया सिका है, एकदम गोल्डन हो चुका है। तो बस इसी तरह से धीमी आंच पर आपको इसे थोड़ा ही सेकना है। इसके ऊपर अब लगा लेते हैं थोड़ा सा बटर। तो फैलाते हुए बटर लगा लीजिए। अब इसके ऊपर डाल लेते हैं चीज। तो मैं यहाँ पर ये मोजरेला चीज डाल रही हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर चीज स्लाइस भी डाल रही हूँ। तो इस तरह से तोड़ते हुए चीज स्लाइस को भी रख लीजिए। ये देखिए, सब तरफ आपको फैलाते हुए चीज को रखना है। और ये जो हमने पनीर की टॉपिंग रेडी की थी, इसे भी रख लीजिए। तो इस तरह से जमाते हुए पनीर रख लेंगे। थोड़ी सी चीज और डाल लेते हैं। तो आपको जितनी ज्यादा चीज पसंद है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। थोड़े से शिमला मिर्च के स्लाइस भी जमा लेते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इसे ढक दीजिए और धीमी आंच पर 3-4 मिनट के लिए इसे पकने दीजिए। आपको गैस की फ्लेम एकदम लो रखना है और फिर इसे आपको चीज के मेल्ट होने तक पका लेना है। आप चाहे तो चीज को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, चीज बढ़िया मेल्ट हो चुकी है और पिज्जा हमारा बनकर तैयार है। लग रहा है ना कितना टेस्टी। एक अच्छी शार्प नाइफ लेकर आप इसके पीसेस कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, बढ़िया डबल लेयर का चीजी टेस्टी पिज्जा बनकर तैयार है। आप इसे पिज्जा सैंडविच बोल सकते हैं। और आपने देखा ही कि इसे बनाना कितना आसान है। तो आप भी बनाइए, घर में बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसे पसंद करेंगे। और बाजार के पिज्जा से भी बहुत टेस्टी लगता है ये। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाइए हमारी मेहनत के लिए। और मेरी जो लास्ट रेसिपी है वो है चीजी टोमेटो पास्ता की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ता को बॉईल करना है और इसे मैं प्रेशर कुकर में बॉईल कर रही हूँ। तो बस पास्ता डालिए, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, साथ ही थोड़ा सा नमक डालकर इसमें 2 सीटी लगा लीजिए। दोस्तों, पास्ता में पानी उतना ही डालिए जिसमें अच्छे से वो डूब जाए और कच्चा ना रहे। तो ये लग गई है 2 सीटी। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर निकल जाने के बाद पास्ता बढ़िया तरीके से पक गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। तो मैं इस तरह से इसे छलनी पे रख ले रही हूँ। वैसे तो ज्यादा पानी नहीं है इसमें, थोड़ा ही पानी बचा है। लेकिन आपको लगे कि इसका पानी बहुत ज्यादा है तो आप उसे छान सकते हैं। तो लगभग 1 कटोरी पानी को हम साइड रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखकर उसमें डाला है 1 टेबलस्पून भरकर बटर। और बटर जैसे ही मेल्ट होने लगा है मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक डाल दी है। 4 से 5 कलियां लहसुन के लेकर एकदम बारीक काट लीजिए और इस तरह से बटर में उसे भून लेना है। ये देखिए, हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे टोमेटो पेस्ट। मैं यहाँ पर रेडीमेड टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लगभग 100 ml का पैकेट है। थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, साथ ही इसमें ओरिगानो डालेंगे। एक बार अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और बस धीमी आंच पर इसे हल्का सा भून लीजिए।
नमक मिलाएंगे। नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने पास्ता उबालते वक्त भी नमक डाला है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें आधा कप दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद बढ़िया तरीके से मिला लीजिए सारी चीजों को। अब इसमें मैं 2-3 चम्मच मिल्क क्रीम डाल रही हूँ। तो ये फ्रेश दूध पे जमने वाली जो मलाई होती है बस वही ली है मैंने। साथ ही ये जो हमने पानी अलग रखा था पास्ता में से उसे भी मिला लीजिए। तो यहाँ पर मैं मिला दे रही हूँ चीज। तो मैंने 1 स्लाइस चीज का डाला है और साथ ही थोड़ी सी चीज ग्रेट करके भी डाली है। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें पास्ता मिलाकर हमें थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो ये मैंने बॉइल पास्ता ऐड कर दिया है और लो मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। तो अच्छे से मिलाते हुए सॉस में हमें पास्ता को पका लेना है। ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर जो है वो बढ़िया आएगा। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। बस ऊपर से 1 चम्मच बटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए से लो फ्लेम पर कुक कर लीजिए। और अब देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा पानी नहीं है इसमें। तो ये रेडी हो गया हमारा टेस्टी यम्मी पास्ता। गैस को कर दीजिए ऑफ और इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, तीनों रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा ये वीडियो तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।